खबर रीवा जिले से है, जहां नईगढ़ी थाना क्षेत्र के कोट निवासी महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल वालों के द्वारा मायके पक्ष वालों को भी सूचना नहीं दी गई। जब मायके पक्ष के लोगों को जानकारी हुई तो संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और पति पर अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध होने के चलते उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका की मां ने बताया कि इसके पहले उसकी दूसरी शादी हो चुकी थी, लेकिन छिपाकर दूसरी शादी कर ली गई। पहली पत्नी की भी मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई। उन्हें शंका है कि भाभी से संबंध होने के चलते पहली पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया था और अब उनकी बेटी को भी मार दिया। बरसैता निवासी मृतका की मां ने बताया कि लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। वह कई बार भागकर मायके भी आ गई थी, लेकिन लोक लाज के डर से मायके वाले ससुराल भेज देते थे। आइए सुनते हैं मृतका की मां और भाई ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। उधर ही चले घटना हुई है। ये साहब हमारी बहन को दो चार बार मार के भगा दिए गए हैं। बोले जाऊँ करना कर ली, ये भी बोल बात बोले। कब शादी हुई थी, क्या कुछ? ये 10 साल हो गया। कहाँ शादी किए थे आप लोग, कहाँ के रहने वाले? देऊर में। देऊर में। देऊर में। अरे कुसहा में, कुसहा में। आपका कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरसैता। क्या घटना क्या है, किस बात को लेकर ये सारी लड़ाई करते थे? के बोलते धमकी देते जाऊँ करना कर लेना, हमारे नहीं रखेंगे जो करना कोई मार की बहन को थाना जाए यहाँ जा दिया। पहले भी मारपीट किए थे? हाँ, 4-6 बे मारपीट के। कितने साल पहले शादी हुई थी? 10 साल। आज क्या कुछ घटना हुई आप लोग संजय गांधी? ये घटना आज सुनिए, हम कल 9 बजे रात तक बात किया हूँ बहन से, अपनी कुछ नहीं बोली है हमसे, सब सही सही था। अब बताइए 12 बजे फोन तब सूचना मिली ना बहन खत्म हो गई इधर, अब फोन लगाए जिसके साथ शादी हुई है तो बोले फोन नहीं उठाया, मोबाइल बंद कर दिया। आपको कौन फोन लगाया था? भाई चाची ने लगाया। आपको कौन लगाया था, कौन बताया? चाची ने बताया। क्या बताएं कि यहाँ पे क्या है? मैं बोली कि दवाई खा ली, नहीं चलो लगा चलो। आपकी बहन दवाई खा ली है? हाँ। क्या लगता है किसके ऊपर आपको शक है, कौन? मारी वहाँ जीजा के ऊपर। जीजा के ऊपर जो मारपीट भी कर, आप ही बताइए, आपकी बहन होगी ये, 10 साल 4 बजे लड़ाई हुई, धमकी देती जो करना कर लेना तुम्हारे, तुमको नहीं डराता। क्या नाम है जीजा का आपके? विजय। विजय जानता हूँ, और दूसरा नाम नहीं पता। बहन का क्या नाम है आपको? रंजना यादव। ठीक, आप लोग हॉस्पिटल में है क्या कुछ? सर हम हमारे बिटिया के एक बे पहले मार डाले रहे, हमका पता नहीं रहे, शादी का दी है बिटिया का हमारे गोबर ही सही रखे रहे, दो चार बे भाग के चली आबर रहे आए लड़की, पता नहीं कि हमका कुछ पता नहीं चली, अदा गोली खबा के भीतर मार डाले बिटिया, हमारा कुछ हमसे नहीं बता पाई। आपसे कौन बताया कि आपकी लड़की हॉस्पिटल में है? बाद मेला रहा हमारे एंटे था, पच्चे मेला चले गए रहे, नहीं जान रहे पूछू, अब एक गाइला में बतावे ला गए सब किया मैं के हो गया है, तो वहाँ वहीं बिटिया हुआ हो गया मार डारिन को डारिन घटना हो गया, हमको पचन का कुछ पता नहीं रही, कल 11 बजे 10 बजे रात तक अपने बिटिया से बात करें कब नौ मैं से नहीं पता है, और बिटिया हमारा गोबा रही के ना ही रही साहब, हमारे बिटिया का कब नहीं मान रहे गोबा रही, जैसे गोबा रही रखा हुआ मैं के रहा, अब पहले दोबारा एक बेमहरिया का मार डारे रहा है। पहले एक शादी हो चुकी थी इनकी? हाँ, हम पचन नहीं जानन है, इन शादी करवाए रहे हैं जे खड़े लागे, हमका पचन का धोखा रहा नहीं जानकारी रही, अब धोखा से शादी करवा दी, ये हम नहीं जानन कि हमारे बिटिया साहब, हम गरीब आदमी कुछ नहीं रहा, हमारे बिटिया भटेरा रहा है कहा कितना गंवार,
तोरे बिटिया मार डारा तो जाकर कोई कह ली। कितने साल पहले आपने अपनी लड़की की शादी की थी? 10 साल हो गए सर। ये मार पीट भी पहले होती थी क्या? कुछ वजह मानती है? बहुत मारा रहे हैं, ऐसा मार देते रहे हैं कि बेहोश हो जा रहे हैं। वजह क्या मानती हैं आप मारपीट? हम अब कहा जाने के काहे खातिर तो मार रहे हैं। दहेज वहेज की तो मांग नहीं करते थे? दहेज वहेज की बात नहीं आवर रही है। ये कह रहे हैं कि कौरा की बिटिया है, भिखमंगा की बिटिया है, या मैं ऐसा गाड़ी देते रहे। अब भाग आवर रही है बिटिया, हम मारत करी आवर रहे। आपकी अभी कहाँ है बेटी आपकी? अभी आपकी बिटिया कहाँ है? बिटिया की क्या अभी है कि खत्म हो गई? खत्म हो गई। कौन मार दिया, किसके ऊपर शक है आपको? पूरी कमाई अपने भौजाई खवा पर रहा जिंदगी भर। एक थे पहले वाली महरिया मर गई, दोबारा खड़े लागे शादी करवाए, हमका पचन का जानकारी नहीं रही। अब बिटिया का हमारे भीतर इंदा मार डाले। तो क्या क्या लगता है आप लोग, क्या उसकी भाभी से? हाँ, भाभी का राखे, भाभी से राखे रहे जिंदगी भर। वह वाली पतो का मेहरिया का मार डाले, वही पीछे हुदा मार। मतलब अपने दामाद के ऊपर शक है आपको? हाँ, 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 दामाद मर मारी, अवैध संबंध के चलते मारे। हाँ, आज से नहीं, बहुत साल शुरू से उनका चला। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हमारी मायके में है ससुराल, माइक है। आपका घर कहाँ? आपका घर कहाँ? बरसाईता। और लड़की की शादी कहाँ की थी? कुशाहा। कुशाहा कौन सा थाना लगता है? गुड़ थाना। हमारा थाना गुड़ लगता है उनका। It has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-759.